हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास द इरुडाइट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? तो ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजियम इन विच फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट, जिसमें फीमेल गैमेट मौजूद होती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजियम। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ओव्यूल इज ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। यानी कि एंजियोस्पर्म के ओव्यूल जो होते हैं वो स्टॉल्क्ड होते हैं और ओवल होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज stalked and oval ovule। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो ओव्यूल होता है उसके पास में stalked और oval ovule होता है। यानी कि जो ओव्यूल होगा उसके पास में स्टॉल्क भी होगा और एक शेप जो होगा, मेन बॉडी जो होगा वह मेन बॉडी ओवल शेप में होगा। यानी कि ओव्यूल जो होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो पार्ट में, एक स्टॉल्क वाला रीजन, डंठल वाला रीजन, और दूसरा मेन बॉडी, और मेन बॉडी का स्ट्रक्चर जो होगा वो ओवल होगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ओव्यूल इज ओव्यूल इज बॉर्न ऑन प्लासेंटा। ओव्यूल का जन्म होता है प्लासेंटा पे। बॉर्न ऑन प्लासेंटा। तो यहां पे प्लासेंटा क्या है? तो हमने जब आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कार्पेल, कार्पेल के बारे में पढ़ाया था। तो कार्पेल को डिफरेंशिएट किए थे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल। और उसी ओव्यूल को हम यहां पे आज उसी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वहां पे ही आपको दिखलाए थे कि जो ओव्यूल था ओवरी के वॉल से अटैच था एक न्यूट्रिटिव टिश्यू से, और वही न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है प्लासेंटा कहलाता है। यानी कि प्लासेंटा इज न्यूट्रिटिव टिश्यू थ्रू विच ओव्यूल अटैच विद ओवरी वॉल, एंड दिस प्लासेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ओव्यूल फ्रॉम ओवरी वॉल। ओवरी के वाल से ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है यह न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसे हम कह रहे हैं प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा के ऊपर में इस ओव्यूल का जन्म होता है, ग्रोथ होता है। तो हम चले उस ओव्यूल के, ये तो ओव्यूल का के बारे में हम लोग देख लिए व्हाट इज ओव्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम, यह मेगास्पोरेंजियम होता है कहलाता है। दूसरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज स्टॉल्क एंड ओवल ओव्यूल, यानी कि ये ओव्यूल जो होगा वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होगा, एक ओवल मेन बॉडी पार्ट होगा और दूसरा स्टॉल्क पार्ट, डंठल वाला पार्ट। तीसरा पॉइंट जो कहा गया कि ओव्यूल बॉर्न ऑन प्लासेंटा, ओव्यूल जन्म देता है, का जन्म दिया जाता है प्लासेंटा के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। यहां पे देखेंगे हम, यह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया ओव्यूल का। यह है ओव्यूल, किसका ओव्यूल? तो एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल जो होता है वह इन्वर्टेड होता है, यानी कि इस तरह का होता है। इन्वर्टेड में क्यों होता क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग जब लेवलिंग कर लेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा। माइक्रोपाइल से बोलते हैं, इसे चलाजा बोलते हैं, और माइक्रोपाइल चलाजा जो होता है एक लाइन में होता है, और उसी के माइक्रोपाइल के नजदीक में फ्यूनिकल होता है। तो इस सपोज कर लीजिए अभी तत्काल यहाँ पे मान लिया जाए कि जिस तरह का स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग
इन्वर्टेड ओव्यूल के रूप में जानते हैं, और मोस्ट एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वह इन्वर्टेड होता है। चलते सबसे पहले इसे लेबलिंग कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ओव्यूल जो होता है अटैच्ड होता है ओवरी के वॉल से प्लासेंटा के माध्यम से, यानी कि ये जो ओव्यूल है यह अटैच्ड होगा प्लासेंटा से। यहां पे ध्यान देंगे, दिस इज ओवरी वॉल, ये है ओवरी वॉल, दिस इज ओवरी वॉल एंड दिस ओव्यूल अटैच्ड विथ दिस ओवरी वॉल थ्रू अ न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा एंड हियर इज दिस इज प्लासेंटा। This is placenta. अब आगे चलेंगे, ये जो ओव्यूल है ये प्लासेंटा से जुड़ा होता है थ्रू अ स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये ओव्यूल जिस स्टॉल्क लाइक डंठल के जैसा स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है प्लासेंटा के माध्यम से, इस स्टॉल्क को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल को हम लोग फ्यूनिकुलस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्यूनिकल है क्या, तो इट इज स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच ओव्यूल विथ प्लासेंटा, विच अटैच ओव्यूल विथ प्लासेंटा। अब यहां पे एक अच्छी बात कहा जाता है कि ये जो फ्यूनिकल का सेल है, द सेल्स ऑफ फ्यूनिकल स्ट्रेच इनटू मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्म अ रिज, उभार को बनाता है, डेवलप करता है, एंड दिस रिज इज कॉल्ड रेफी। यहां पे ध्यान देंगे, ये फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल का एक फ्यूनिकल का जो ब्लैक कलर का डीप हम लोग डार्क का जो स्ट्रक्चर लाइन खींचे हैं वो लाइन को ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्यूनिकल का टिश्यू जो है एक्सटेंड कर गया है, स्ट्रेच कर गया है, फैल गया है, किसमें, तो ओव्यूल के मेन बॉडी पार्ट में, और इसे हम लोग कहते हैं रेफी। इस रिज को हम क्या कहेंगे, दिस रिज इज कॉल्ड रेफी। नेक्स्ट, दिस फ्यूनिकल अटैच विथ ओव्यूल, ये फ्यूनिकल जो है अटैच्ड होता है ओव्यूल से। मान लीजिए कि ये है आपका ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल एंड दिस ओव्यूल इज अटैच्ड विथ फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस फ्यूनिकल अटैच्ड टू द ओव्यूल एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस फ्यूनिकल अटैच्ड विथ ओव्यूल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। इस पॉइंट को कहते हैं हाइलम, हाइलम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ ओव्यूल, विथ ओव्यूल, ओव्यूल से फ्यूनिकल का अटैच करने वाला जगह पॉइंट कहलाता है, इस दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। नेक्स्ट, द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फिल्ड विथ मैसिव पैरेन्काइमेटस सेल्स। कह रहा है कि ये जो ओव्यूल का जो मेन बॉडी है वह भरा हुआ होता है बहुत सारे, यानी कि मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, मैसिव
फैन काइमेटस सेल्स एंड दिस फैन काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. दिस फैन काइमेटस सेल्स कंटेन अबंडेंट फूड रिजर्व. इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास में बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मौजूद होता है और ये रिजर्व फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग और ग्रोइंग ओव्यूल को. ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. एंड दिस पैरेन्काइमेटस सेल्स आर कॉल्ड न्यूसिलस. Sometimes this nucellus is also considered as megasporangium. Megasporangium कौन है? Ovule को हमने कहा. लेकिन यह nucellus जो है इस ovule का main body part में मौजूद होता है और इसके वजह से इस nucellus को भी कभी कभी हम consider करते हैं megasporangium के रूप में. अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये मेगास्पोरेंजियम के रूप में कंसीडर करने का एक और रीजन कि ये जो न्यूसिलस है ये इस न्यूसिलस के अंदर में एक बड़ा सा सेल मौजूद है. इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक क्या है? व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? तो एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमिटोफाइट लाइक पॉलन ग्रेन के जैसा ही यह एम्ब्रियो सैक जो है यह गैमिटोफाइट है. लेकिन यह फीमेल गैमिटोफाइट है यानी कि फीमेल गैमिट को कैरी करने वाला, फीमेल गैमिट को रखने वाला. तो एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमिटोफाइट. इस एम्ब्रियो सैक के बारे में अलग क्लास में हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसा होता है एम्ब्रियो सेक, किस तरह से डेवलप करता है एम्ब्रियो सेक. तत्काल अभी इसे हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखला देते हैं. इसके पास में ये इस तरह का सेल का अरेंजमेंट होता है. इससे ऊपर का जो सेल है क्लस्टर का वो कहलाता है एंटीपोडल, नीचे वाला कहलाता है एग अपरेटस और ये बीच में कहलाता है पोलर न्यूक्लियाई. तो इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे एक अलग वीडियो में. नेक्स्ट, दिस न्यूसिलस इज सराउंडेड बाय अ हार्ड लेयर, हार्ड इनवेलप. दिस इनवेलप इज कॉल्ड इंटैगमेंट. दिस इंटैगमेंट इज प्रोटेक्टिव इनवेलप ऑफ द ओव्यूल. एक कवच है ओव्यूल का, यानी कि इसका जो ओव्यूल को चारों तरफ से कवर करके रखने के लिए एक हार्ड लेयर यहाँ पे मौजूद होता है और उस हार्ड लेयर को हम कहते हैं इंटैगमेंट. आप देखे होंगे कोकोनट को, कोकोनट जो होता है कोकोनट को जब ऊपर से उसका छाल को हम बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं, जो छाल हमने रिमूव किया वो छाल था ओवरी का पार्ट. उसके अंदर से एक बॉल लाइक हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, गोला निकलता है. उस गोला पे देखते होंगे कि एक हार्ड बहुत ज्यादा मजबूत लेयर मौजूद होता है. जब उसको तोड़ते हैं तब उसके अंदर से उसका खाने वाला पार्ट निकलता है व्हाइटिश कलर का, जो कि इंडोस्पर्म कहलाता है. वो भी देखेंगे, बाद में देखेंगे. तो जो हार्ड लेयर है वही है इंटैगमेंट, उसी को क्या कहे इंटैगमेंट. तो इंटैगमेंट जो है ये हो सकता है सिंगल और टू लेयर. ये इंटैगमेंट एक लेयर का भी हो सकता है, वन लेयर और टू लेयर. अगर वन लेयर हुआ तो ये कहलाएगा यूनिटैगमी और जब ये टू लेयर होगा तब कहलाएगा बाईटैगमी. यूनिटैगमिक जनरली प्राय पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में और बाईटैगमिक जो ओव्यूल होगा वो पाया जाता है एंजियोस्पर्म में. यानी कि ऐसा ओव्यूल जिसके पास में इंटैगमेंट सिंगल लेयर का होगा तो ओव्यूल कहलाएगा यूनिटैगमिक, और जब इंटैगमेंट उस ओव्यूल में दो लेयर का होगा तब वो कहलाएगा बाईटैगमिक. बाईटैगमिक एंजियोस्पर्म में मुख्य रूप से पाया जाएगा, यूनिटैगमिक मूलतः जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा.
नेक्स्ट इंटैगमेंट लीव अ अपर्चर एट अ लोअर पॉइंट लोअर रीजन एंड दिस पॉइंट और रीजन वेयर इंटैगमेंट इज एब्सेंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओव्यूल दिस रीजन. यहां पे ध्यान देंगे यहां पे क्या है कि ये जो इंटैगमेंट है अनुपस्थित है और इस अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पे एक अपर्चर एक पोर का डेवलपमेंट हुआ है और इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल क्यों है क्यों यहाँ पे इंटैगमेंट एब्सेंट है तो कहता है कि यह वह जगह है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल के अंदर. पॉलन ट्यूब जो आएगा पॉलन ग्रेन से और वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर आएगा और उस मेल गैमेट को अंदर जाने के लिए रास्ता है. ऐसे जब फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो वह पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से तो इंटर करता है या फिर वो कर सकता है कहीं और से भी जैसे कि इस इंटैगमेंट से भी कर सकता है इस इंड से भी कर सकता है. तो ध्यान देंगे लेकिन मुख्य रूप से मेनली जो माइक्रोपाइल है वह माइक्रोपाइल ही जगह है जहां से कि पॉलन ट्यूब इंटर करे यानी कि उसके लिए गेट छोड़ दिया गया है कि आप आइए और इससे इंटर कर जाइए. तो दिस इज माइक्रोपाइल. अब इस वजह से यहां पे माइक्रोपाइल होने के वजह से इस ओव्यूल के इस इंड को कहा जाता है माइक्रोपाइलर इंड. दिस इंड ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर इंड. दिस रीजन इज कॉल्ड कैलाजा. कैलाजा या भी हम लोग चाइल्जा के नाम से भी पढ़ सकते हैं जो भी प्रोनाउंसिएशन है तो नाम है कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ऐसे यहां पे कैलजा या चाइल्जा. तो ध्यान देंगे कैलजा है क्या. कहता है कि कैलजा इज अ रीजन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम वेयर इंटैगमेंट डेवलप. ओव्यूल का वह रीजन जहां से इंटैगमेंट का डेवलपमेंट होता है वह रीजन कहलाता है कैलजा. और यहां पे कैलजा यहां पे इस रीजन में मौत को कह रहे हैं इस वजह से इस ओव्यूल के इस इंड को हम कहते हैं कैलाजल इंड. इस वजह से इसे क्या कहेंगे कैलाजल इंड. ये था आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर. संभवतः इसमें और कुछ बचा नहीं है. इसके अंदर हम लोग ये ओव्यूल देख लिए. अब इस ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहे हैं. मेगास्पोरेंजियम के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद है. फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं एंड दिस एम्ब्रियो सैक कंटेन एग. तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आज के लिए थैंक यू धन्यवाद.